आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, अमेरिका। इंस्टाग्राम अमेरिका की कंपनी है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आम को, ऑप्शन बी सेब को, ऑप्शन सी पपीता को, ऑप्शन डी नारियल को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, आम को। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी बुध ग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, शनि ग्रह। शनि ग्रह को सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 5 फरवरी, ऑप्शन सी 6 फरवरी, ऑप्शन डी 7 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगर गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता रहता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी जेली, ऑप्शन सी सार्क, ऑप्शन डी घोंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, घोंगा। घोंगा एक ऐसा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 राज्य, ऑप्शन बी 6 राज्य, ऑप्शन सी 7 राज्य, ऑप्शन डी 8 राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 5 राज्य। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के 5 राज्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी रामपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 शेर, ऑप्शन बी 4 शेर, ऑप्शन सी 6 शेर, ऑप्शन डी 8 शेर।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, चार शेर। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, रूस। रूस एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। अगर गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1851 में, ऑप्शन सी 1852 में, ऑप्शन डी 1853 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन 1853 में। 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी जामुन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, केला। केला एक ऐसा फल है जो दुनिया में सबसे सस्ता मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, चीन। चीन जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी सीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी एशिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, सीलैंड। सीलैंड एक ऐसा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी सीबीआई, ऑप्शन डी पीएनबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, आरबीआई। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पशु हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश विश्व कप 2031 की मेजबानी करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राजस्थान में। राजस्थान में दूध की खपत सबसे ज़्यादा होती है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, स्पेन। स्पेन का बैल राष्ट्रीय पशु है। अगर गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर बने रहें। थैंक यू गाइज।